खुद ही खुद बातें कर रहे हैं, लॉस खुद लेते हैं। सॉरी सर, मैं तो खुद एक पे बसने लाचार लड़का हूँ। लड़का लड़के पे आ गए। अरे वाह, तुम्हारे भाभी तो बड़े सेट जगह पर रहती है। इनके दूसरे रोज तो हमको क्या भूखा मारेगा? पूदा नहीं नहीं, पूदा कह दिया। मैं तो इधर आपको लॉस देने आया था, लेकिन अगर आपको लॉस नहीं चाहिए तो ये अपना लॉस क्यों? ऐसी दो तीन झोकरियां आ जाए तो अपना तो नसीब ही ठीक हो जाए। ऐसी बात मत करो। क्या करूं, मजबूरी है। ए मेरे दादा नहीं, मत हो ना अकेली पव्वा चढ़ा के आए। प्लीज मुझे बचा ले। ए कमीने राइटर, पहले मर्दाना फकीर भेजता था, अब जनाना फकीर भेज रहा है। हम तुम एक कमरे में बंद हूँ और चाबी लाना था तेरी चोरी और मनहूस हरकत पर। अभी तो मुलाकात हुई है माँ, मेल मुलाकात बढ़ेगी तो रिश्ता भी हो जाएगा। दिल की खिड़की खोल की बातें बोल, आजा चल ले रॉक एंड रोल टुगेदर। दिल की खिड़की खोल की बातें बोल, आजा चल ले रॉक एंड रोल टुगेदर। लव स्टोरी। सुबह सुबह क्या कर रही है? हिसाब किताब कर रहा हूँ माँ। किस चीज का? ए भाई, कल ईद का पहला दिन था ना, अपन के घर में जो पैसों की फरावानी चल रही थी ना, बस वही लिख रहा हूँ कि साले किसने कितना दिया और किसने कितना लिया। मतलब ये कि तू ईद आने और जाने का हिसाब कर रही है? हाँ माँ, पता तो चले कि ईद के दिन पैसों के व्यापार में अपन को प्रॉफिट हुआ कि लॉस। बराबर है, अब ये बता प्रॉफिट हुआ कि लॉस? वही देखता हूँ माँ। ए मिंजा मौला, क्या हुआ, लॉस हो गया? ए माँ, पूरे 2,360 रुपए का लॉस हुआ है। ए मिंजा मौला, इतना लॉस, अब क्या करेंगे? इसी लॉस को प्रॉफिट में तब्दील करेंगे। और क्या करेंगे? वो किसे? आज के दिन घर में होने वाला खर्चा बचाकर। ईद के दूसरे दिन से तू हमको भूखा मारेगा क्या? हम पौधे खाएंगे, पौधा बिरयानी बनाएंगे। मजबूरी है माँ, घर में रहना तो भूखे बैठना पड़ेगा। वैसे इस लॉस को पूरा करने के लिए मैंने एक जुगाड़ सोचा है। ए जल्दी बता, लॉस का सुन के मेरी तबीयत खराब हो रही है। ए माँ, तबीयत को काबू में रखो, नहीं तो डॉक्टर का खर्चा मेरे ऊपर पड़ेगा। जास्ती देरी मत कर। माँ मैं क्या कह रहा हूँ, कल अपन घर पे थे ना, अपन को बहुत लॉस हुआ। आज अपन किसी और के घर चलते हैं मेहमान बन के, ने सारा लॉस वहीं पे कवर करेंगे। किसा? पर आने जाने में जो इतना खर्चा होएगा वो? आपके इस होशियार चंद छोकरे ने ना एक और जुगाड़ सोचा है। वेरी गुड। अपन क्या करेंगे, ईडी साहब की एम्बुलेंस बुला लेंगे। 150 रुपए में पूरी हमारी फैमिली उसमें फिट हो जाएगी और इंतहाई इज्जत के साथ अपनी जाए वकुआ पे पहुंच जाएगी। और देखो माँ, इतनी सस्ती सर्विस किधर मिलेगी? बरोबर है, पर ये बताना जाएंगे कहाँ? अभी सब कुछ मैं सोचूंगा माँ, थोड़ा आप भी सोचो ना। मैं सोच रही हूँ कि कलसुमड़ी के किसी रिश्तेदार के घर चले जाए, पर वो तो मरी हुई मुर्गियाँ खाते, मैं तो खाती नहीं हूँ। सही बात है, तो उसके घर जाएंगे ना तो वो पानी के साथ पत्ते रख देंगे कि ये खाओ और ये पियो। वैसे भी वो डांस भी करते हैं पत्ता बांध के। इतने जास्ती आउटडोर सीन्स करने की जरूरत क्या है फिर? ओह मम्मा, हमारा मतलब है कि आज हम घर नहीं बैठेंगे, हमें कहीं बाहर ले चले। हाँ ना मम्मा, हमें जू ले चले। ए मिंजा मौला, ईद वाले दिन उधर जाके क्या करोगे तुम लोग? मम्मा सुना है वहाँ बहुत सारे जानवर होते हैं। हाँ ये तो बरोबर बरोबर, तो फिर हमें वो जानवर देखने चलना चाहिए। ए काय को अपने पप्पा का खर्चा कराने लगे हो तुम लोग? तुम लोग को जानवर ही देखने है ना? जी जी।
तो फिर मैं कोई ऐसी जुगाड़ बताती हूँ जिससे जानवर भी देख लो ने खर्चा भी ना हो। तो मम्मा ये तो चमत्कार हो जाएगा। हाँ हाँ। इसके लिए मैं करना क्या होगा? कुछ नहीं, बस किचन से बाहर निकल के ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ना होगा। हमारे घर के ऊपर का रास्ता कोई जू को भी जाता है? नहीं नहीं नहीं, रास्ता कोई नहीं है, अपनों का घर ही पूरा जू है। तो आज तक हमें पता क्यों नहीं चला? पहले पूछा ही नहीं। तो फिर बात को घुमाए मत, सीधे सीधा एड्रेस बताएं। ठीक, तुम लोग सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर जाओगे, उसके बाद लेफ्ट ले लोगे। मम्मा वो तो दादी का कमरा है। मेरे बच्चे, तुम लोग को पता सब कुछ है लेकिन भी ऐसे ड्रामे कर रहे हैं। लेकिन मम्मा, दादी का जू से क्या ताल्लुक? बेटा तेरी दादी का इंसानों से भी कोई ताल्लुक नहीं है। आप देखना है तो देखो, नहीं तो फूटो। चलो लो देखो, मम्मा ने खर्चा बचाने के चक्कर में मैं जानवर की नस्ल बना दिया। सबको सुनानी, दिल थाम के बैठो। हेलो सलामुअलैकुम, मेरे साथ फ्री होने की जरूरत नहीं है। ए, क्या हो गया? अब तो रमजान भी गुजर गए ने, तकरीबन ईद भी गुजरने को हे। सब कुछ गुजर रहा है, बस सासू माँ नहीं गुजर की दे रही। लगता है आज आपका मूड कुछ ज्यादा ही खराब चल रहा है। अच्छा चलो, आपका मूड को खुशगवार बनाने के लिए ना किधर बाहर चलने का प्रोग्राम बनाते। कैसा? कहाँ चले? आपका कोई रिश्तेदार रहता है इधर? हाँ है, लेकिन उसे घर जाने का कोई फायदा नहीं है। प्रॉफिट लॉस की आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो, ये अपन का मैटर है। आप सिर्फ मेरे को एड्रेस दसिए। ये तो हमारा एड्रेस है। हाँ तो आप मेरे रिश्तेदार नहीं है? ये लानत भेजता हूँ इसी रिश्तेदारी में जहाँ पे जाने का कोई फायदा ही नहीं हो। कोई और नहीं रहता मेरा, मतलब था के अम्मी अब्बू की तरफ से, चाचा चाची, पापा पापी, मामा मामी, उनके कजन, कोई पढ़ने आया हो। हाँ। हाँ। नहीं कोई भी नहीं रहता, लेकिन आपके तो कोई रिश्तेदार होंगे, उनके घर पे चलते ना, घर होगा ना इधर। एक्सक्यूज मी, आई एम वेरी वेरी सॉरी कुलसुम, जैसे कि आप समझ रही है कि मैं इधर हूँ लेकिन वो लोग अपने घर पे मिलेंगे नहीं। काय को? वो इसलिए कि जैसे अपन लोग उनके घर जाएंगे मुफ्ता फोड़ने के लिए, वैसे ही मेरे रिश्तेदार है ना, वो किसी और के घर गए होंगे मुफ्ता फोड़ने के लिए। ओह माय गॉड, कैसे रिश्तेदार मिले? ए हे तो सही ना, तेरा तो कोई है नहीं। ऐसे कोई रिश्तेदार का फायदा ही नहीं है जिससे इंसान मिल भी ना सके। फुजूल बात करते हैं काम। वेरी सैड कुलसुम, मेरा डायलॉग सुना नहीं चली गई, बहुत अफसोस की बात है ये। या अल्लाह क्या करूं, बर्तन है दोबारा तो हे मिंजो मोला, मेरे कमरे में ऐसे लेटा जिसे इसके बाप का घर है। ए ए आतंकवादी उठ जा, ए पूरा मोहल्ला जाग रहे ला तेरी आवाजों से। ऐसे कर रहे जैसे मुर्गी ने तड़बे में अंडा दे दिया। ए उठता ही मैं तेरे को उठा उठाने का दोबारा बंदोबस्त करूं। ए रो ना रो, ए मर गया तू, उठ जा उठ जा उठ जा, ए उठ जा। चुभी, क्या बोल रहे मेरे को तू? तेरे अलावा इस कमरे में कोई और है? हाँ है ना, तू है ना। हम तुम एक कमरे में बंद हूँ और चाबी जिंगड़ 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 डंग। लाना था तेरी चुचोरी और मनहूस हरकत पर। ये पता, जब मैं कमरे में नहीं थी मेरे कमरे में काहे को आके सोया? दरअसल मैं बहुत थक गया था, इसलिए मेरे को जरा नींद आ गई थी। हाँ। अगर तेरे को थकावट हो जाती है, एक एपिसोड में दो दो एंट्रियां नहीं मारा कर। मेरे को आने जाने से थकावट थोड़ी होती है, मेरे को तो उधर पार्टी हुई ना उसमें थकावट हो गई है। ये मिंजा मौला सुलेमान, तू कोई नई पार्टी में शामिल हो गया? ये सियासी पार्टी नहीं, उधर है ना हल्ला गुल्ला पार्टी थी, ईद का जश्न मना रहे था, इतना मजा आ रहा था। तेरे को बताओ? मेरे को ना बता मनुष्य, मेरे को तेरे को खबर लेने की जरूरत नहीं, भले तेरी कोई सी भी पार्टी हो। अरे नहीं नहीं, जो भी सुन ले, तेरे को बहुत मजा आएगा, मजा। तेरे को शर्म नहीं आती ऐसी वैसी बातें सुनाते हुए? शर्म तो बहुत आती, पर क्या करूं, तेरे अलावा कोई बातें सुन के मेरी जलता ही नहीं है। हाँ तू मेरे को जलाने के वास्ते आता है इधर? ये जुबी, तूने अखी जिंदगी मेरे को जलाया है, अभी एक दो सीन में मैं तेरे को जलाने आ जाता हूँ तो इसमें वादा क्या है? ए मिंजा मौला, मैं क्या करूँ, छोकरा मेरा ईद के दूसरे दिन माँ को घुमाने का सोच रहे ले, वो परेशान है, एक बाप है, इसको शर्म नहीं आती है, जलाने आ जाता है। आर यू सीरियस? ए तू किधर जाना चाहती है? हाँ नहीं तो सुबह से कोई जगह ही नहीं डिसाइड हो रही। ये तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, एक जगह तो बिल्कुल डिसाइड है। कौन सी? कब्रिस्तान।
बड़े बूढ़े बोलते हैं शक्ल अच्छी नहीं होवे ना तो कम से कम बात तो अच्छी करनी चाहिए। तेरी दोनों चीजें ठीक नहीं है, डिफेक्टेड है। इश्क सच्चा है तो तेरे वादा निभाना होगा, तेरे को आना होगा। इसी कम कैसी करूं? इतने सारे कैसे बन रहे हैं? मेरे तो सिर्फ 800 रुपए ही हैं। हाँ मेरे भी सिर्फ 800 ही बने। हो सकता है पप्पू का हिसाब गलत हो। पप्पू गलत हो सकता है लेकिन पप्पू का हिसाब कभी गलत नहीं हो सकता। कहीं इसने हमारे पैसे चुराए तो नहीं? पप्पू सही सही बताओ कि तुमने हमारे पैसे लिए तो नहीं है? हो सकता है तुम लोगों ने कहीं पैसे खर्च कर दिए हो। अगर पैसे ज्यादा मिलते तो खर्च करते ना। मम्मा पप्पा ने तो पैसों में एक मोबाइल रखा था। तो इसका मतलब है कि किसी ने मुझे एक्स्ट्रा पैसे दिए हैं। किसने दिए ये एक्स्ट्रा पैसे? कहाँ से आए एक्स्ट्रा पैसे बताओ। अरे ये क्यों बताएगा, चलो अंदर चल के मम्मा पप्पा और दादी से पूछते हैं। हाँ ये सही है। इस मुल्क में लोगों को बेवकूफ बनाना सबसे आसान काम है। जो पैसे मुझे मिले ही नहीं उनकी छानबीन करने गए बेवकूफ बच्चे। दुनिया वालों, हाँ? पता लग गया कि रमजान खत्म हो गए। जुलेखा बेगम आजादी से चम्मक चल्लो बन के फ्रीली घूम रहे लिए। इसलिए कि कलसुमड़ी तेरा वेट और वेट बढ़ाना, इससे पता चल रहा है कि रमजान खत्म हो गए। सासू माँ आप ईद के दिन तो कम से कम लेफ्ट राइट सेंटर हो जाया करें। मेरा एक ही तो ईद का दिन है, उस दिन तो सुकून से गुजारने दे आपकी शक्ल देखे बगैर। मैं क्या करूं, मैं तो बदनसीब हूं ना। मेरे छोकरे की ऐसी भाड़ी मेरे को मिली है, उसका कराची में कोई रिश्तेदारी नहीं, वरना आजू बाजू जाके हम भी कोई राशन फोड़ आते उसके रिश्तेदारों का। मेरे को भी ऐसा ससुराल मिला है जो अपना खाना पीना बचाने के चक्कर में दूसरों के खाना पीना हराम करने चले जाते हैं। बोल ले कलसुमड़ी बोल ले, तेरे सामने ही मैं अपने ना जक्कू की दूसरी शादी बनाऊंगी। ईद बकरा ईद को मैं आउटिंग तो कर सकूं। सासू माँ जितने पैसे आपने जक्कू की शादी में स्पेंड करने, उतने पैसों में तो आपने रिश्तेदारों के पास सैकड़ों बार जा सकती हो। ए कलसुमड़ी यू डोंट नो, हमारी कम्युनिटी जो है पूरी दुनिया वर्ल्ड में पहले में। गलत बात सासू माँ, बहुत गलत बात। इस उम्र में आपको इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये मिंजा मोला ये वाइडी मेरे मुंह पे मेरे को झूठा बोल रही है। तो क्या करूं, झूठी को झूठा ना बोलूं तो फिर क्या कहूं? ऐसा मैंने कौन सा झूठ बोला है तेरे को? आपके सारे रिश्तेदार ना इधर कराची में ही रहते और सब साथ साथ रहते। अच्छा तो ये बता के कौन से इलाके में रहते हैं? उस जगह को ना पहले गांधी गार्डन कहा जाता था, लेकिन जब से आपके फैमिली उधर बसेरा कर गए ना, हाँ? उस जगह को अब चिड़ियाघर कहते हैं। मैंने बोला ये वाड़ी मेरे खानदान को जानवरों से मिला रही है। जानवरों को जानवरों से नहीं मिलाऊंगी तो इंसानों से थोड़ी ना मिलाऊंगी। आपके रिश्तेदारों में इंसानों वाली हरकत है भी नहीं कोई। एक दफा मेरे जक्कू की दूसरी शादी होने दे, फिर देख तेरे साथ कैसा जानवरों वाला सलूक करूंगी। हर वक्त ऐसी ऐसी खुजाती रहेगी। सासू माँ एक बात आपको याद रखनी पड़ेगी, जब आप जक्कू की दूसरी शादी करा के ईद के तीसरे चौथे दिन जाएंगी खाना खाने, तो ये भी याद रखें कि वो लोग भी ईद के दूसरे चौथे दिन आएंगे इधर खाना खाने। ओ माय गॉड, सासू माँ आप प्लीज ना इन सब के बारे में कैलकुलेशंस करें, तब तक मैं अगला सीन कर आती हूँ। बाय बाय। पता नहीं किस अंग्रेज के साथ रहती। बाय प्लीज मुझे बचा ले। ए कमीने राइटर, पहले मर्दाना फकीर भेजता था, अब जलाना फकीर भेज रहा है। अरे अरे आप गलत समझ रहे हैं, मैं फकीर नहीं हूँ। तो फिर हेल्प काहे को मांग रही हो? कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हैं, मुझे आपकी मदद चाहिए। ऐसी बात है? ए किधर हो कमीनो, ए सामने आओ, मर्द के बच्चे हो तो ए अकेली लड़की को देख कर डराते हो? आप फिकर ना करो, किधर गए भाई? ये देखा आपने भाई का रोग, ऐसे मारते हैं धार। ए, तू अंदर कैसे आ गई? जैसे आप आए दरवाजे से। ए भाई आप कहीं डाकू वाकू तो नहीं हो? नहीं नहीं मैं एक बेबस और लाचार लड़की हूँ, प्लीज मुझे बचा लें। मैं तो खुद एक बेबस ने लाचार इंसान हूँ, मैं आपको कैसे बचा सकता हूँ? मुझे अपने घर में बना देकर। वैसे तो मैं आपको अपने दिल में बल्कि घर में बहुत सारी जगह दे सकता हूँ, लेकिन क्या करूँ खर्चा बहुत हो जाता है। आप खर्चे की फिक्र मत करें। कैसे कैसे फिक्र ना करें?
इनसे काम चल जाएगा। ए, ये है क्या? कड़े? ए, ये असली तो है ना? एकदम असली है, दुबई का माल है, लोकल नहीं है। तो फिर आप इधर कड़ी क्यों हैं? मैं किसी बेबस और लाचार को बचाने के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। फॉलो मी। हेलो माँ, वालेकुम सलाम। हेलो, हेलो, ईद मुबारक। अपन तो मिल नहीं चुके पहले। हाँ मिले, पर तेरा जो ना जुगाड़ खत्म नहीं होती ना, बार बार मिलने, ईदी देना, सब समझती हो ना। माँ प्यारी माँ। माँ मैं क्या बोल रहा था? बोलो। ये कोई खाने पीने का जुगाड़ हो सकता है अभी? जब तक कलसुमड़ी इस घर में है ना, खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिल सकता। कुलसुम को? नहीं, अपन लोगों को। माँ अभी क्या करें, घर में मेहमान आया, उसके लिए खाने का जुगाड़ तो करना पड़ेगा ना। ये मिंजा मोला, मेहमान हमारे घर में? जकू तेरे को पता है, हम तो खुद मेहमान जा रहे लेते, हमारे घर में मेहमान किससे आ गया? ए माँ, ये कोई मामूली मेहमान नहीं है, बहुत ही खास किस्म का मेहमान है। अच्छा, वो किसे? वो ऐसे माँ के, ये कुलसुम की करीबी कजन है। ए मिंजा मोला, कलसुमड़ी कम थी, अब उसके रिश्तेदार भी हमारा राशन फोड़ने आ गए। बात को समझो माँ, आज वो अपन के घर आई है, कल अपन भी उसके घर जाएंगे। मैं आपसे टाकरा करती, जो ये चीज है ये लड़की है? हाँ माँ, एकदम कंचा पीस है। कराची में रहती है? हाँ माँ, हाँ लोकल है, 100% लोकल। तेरे कहने पे मैं मिल लेती हूँ, पर कलसुमड़ी के खानदान से मेरे को कोई अच्छी उम्मीदें नहीं है। माँ शायद इकबाल साहब की अपने बांदी सुनी, पेविस्तारे शजर से उम्मीदें बाहर रख। तेरी माँ ने फरमाया, खैरपुर से रिश्ता तोड़, कराची से रिश्ता बना। अभी तो मुलाकात हुई है माँ, मेल मुलाकात बढ़ेगी तो रिश्ता भी हो जाएगा। तेरा मुँह का कमीना पद बता रहे ले, कोई आइटम छोकरी, आइटम छोकरी। माँ आप नीचे जाके आइटम चेक करो। हाँ, मैं अभी आता हूँ। मुनि बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। ए मिंजा मोला, तू आई? ए हल्ला, ये गुठली किस चीज की है? मिंजा मोला, इतने सारे जेवर असली है ना? जी जी बिल्कुल, दुबई से लाई थी। कैसी वाड़ियाँ हैं आजकल, सारे डॉलर पाकिस्तान से दुबई लेके जा रही हैं और वाड़ियाँ उधर से जेवर लेके आ रही हैं। एक मेरी वाड़ी जो मेरी बहू है ना, मेरे छोकरे की जो वाड़ी है, वो क्या लाई है? कुछ भी नहीं, खाली आता है बिल्ली की तरह। 5 बच्चे मेरे को दे दिए, पकड़ो। आंटी बच्चे तो खुदा की नेमत होते हैं। तो मैं बच्चों को बुरा थोड़े बोल रही हूँ, मैं तो अपनी बहू को बुरा बोल रही हूँ। हाँ क्या करूँ, मेरी बहू है ही ऐसी। ये सारा जेवर तेरा अपना है? हाँ ना, सारा मेरा ही है। ये बता, तेरी शादी हुई है? उसी का तो फड्डा है। है बस ये समझ, आज से तेरा ये लफड़ा खत्म है। है वो कैसे? वो ऐसे कि तेरी शादी ना मैं अपने हाथ से बनाऊंगी। यहाँ सच कह रही आंटी, खुद हाजिर होके अपने दिमाग से ये बता, ये सारा जेवर तेरा अपना ही है ना? जी हाँ, बल्कि घर पर तो और भी पड़ा था, मैं तो जल्दी जल्दी में सिर्फ इतना ही ला सकी हूँ। ए मिंजा मोला, ये तो पीसे वाली पार्टी लगती है। तू अब शादी की नहीं, वो जेवर जो बाकी तेरे घर में रह गया ना, उसको लाने की फिक्र कर। क्या मतलब? मतलब ये कि तू शादी में अपना ये सारा जेवर पहनेगी ना? बिल्कुल। बस तू अपना काम कर, हम अपना काम करेंगे। वो आंटी, अगर कुछ खाने पीने को मिल जाता तो? हाँ मैं तेरी शादी पे ऐसे 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 खाने बनाऊंगी, लोग खा खा के बेहोश हो जाएंगे। बस तू जेवर संभालना, आजकल दहशतगर्द जेवर पकड़ लेते हैं। जी जी नहीं, इसको पकड़ लेना वरना लोग ले जाएंगे खाने में। शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है। तू तो ऐसे आया जैसे माधुरी का सामान पहले आता है और बाद में खुद आती है। ये जेवर है, जाके इनको बाजार में बेचा। तुम फिक्र मत करो, मैं यूं गया और यूं आया। अब आप अपनी प्यारी झिलसी गहरी आंखें जरा खोल के तो इधर देखो। क्या ए भाई, इधर देखना। दिल की खिड़की खोल की बातें बोल, आजा चले रॉक एंड रोल टुगेदर। दिल की खिड़की खोल बेबी लव की बातें बोल, आजा चले रॉक एंड रोल टुगेदर। छोड़ना मेरा छोड़ना, मेरे साथ जास्ती फ्री मत होना। ए भाई क्या हो गया? ठीक है भाई ठीक है, मैं तो आपको प्रॉफिट देने आया था, लेकिन आपको नहीं चाहिए तो मैं अपना लॉस काय को करूं? कैसा प्रॉफिट? रहने दे भाई रहने दे, अभी तो आपने खुद ही बोला ना मेरे फ्री मत होना। चलो ऐसे ही ठीक है। जकरिया साहब, अगर अगले 10 सेकंड के अंदर आपने मेरे को असल किस्सा नहीं बताया ना, तो न ऐसे ठीक होगा न वैसे ठीक होगा।
बताता हूँ भाई, बताता हूँ। कोई तो बात प्यार से भी कर लिया करो, सारा वक्त तसद्दुद क्यों करती हो? अब टाइम फोकट मत करें, असल बात बताएं। तो मोहतरमा कुलसुम साहिबा, असल बात ये कि आप आंखें बंद करें। हाँ पता है पता है, आंखें बंद करूंगी आप भाग जाओगे। ए भाई, मुंह बंद नहीं करनी है, आंखें बंद करनी है। चलो शाबाश, बंद करो। वेरी गुड। हाँ जी, अब आप अपनी प्यारी झिलसी गहरी आंखें जरा खोल के तो इधर देखो। क्या? ए भाई इधर देखना। ये मेरे क्या? सारे के सारे, ये दोनों मेरे क्या? हाँ भाई, पहले तो आपके नहीं थे लेकिन अब आप ही के हैं। अपनी जान नजर करूं, अपनी वफा पेश करूं, मेरे को फरमाइए जकरिया साहब, इन ज्वेलरीज के बदले आपको क्या पेश करूं? आप कुछ मत कीजिए, बस मेरी थोड़ी इज्जत कर लिया कीजिए। वो तो मैं दिल से बहुत ज्यादती करती हूँ, आपको क्या मालूम। बस आपको एक छोटा सा काम करना है। आप हुकुम तो कीजिए सरताज। ए भाई, बात ये कि नीचे एक मेहमान आई है जो कि माँ की रिश्तेदार है, आपको उसकी खिदमत करनी है। नो, माँ कोई कम थी जो मैं उनके रिश्तेदारों की भी खिदमत करूँ। ओके, वो कड़े किधर गए? ये रे। ए थैंक यू। सॉरी 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 सॉरी। क्या भाई, ये जो कड़े है ना, ये उसी रिश्तेदार ने ही तोहफे में दिया आपको। क्या? हाँ भाई, आपने ये बात माँ को नहीं बतानी। अगर आपने माँ को बता दिया ना, तो ये कड़े आपके हाथ से फुदक के ना माँ के हाथ में चले जाएंगे। नहीं नहीं, मैं उनकी खिदमत तन मन धन से करने को तैयार हूँ। वाह, काश ये जज्बा आपने कभी अपने खावन के लिए भी दिखाया होता। जकरिया साहब, इससे पहले कि मेरा जज्बा ठंडा और मूड गंदा हो जाए, मैं ही इस कमरे से चली जाती हूँ। ओके, मी गोइंग। ओके, अपना ख्याल रखिएगा प्लीज। ये मिंजा मोला, सिर्फ दो कड़ों के चक्कर में ये कमरा छोड़ सकती है, तो पूरे सोने के सेट पे तो ये घर भी छोड़ देगी। मगर इसमें मेरा खर्चा बहुत हो जाएगा, बहुत ज्यादा सोना लगेगा इसके ऊपर। कहाँ हो तुम, चले आओ जुले खाने पुकारा है। जब कोई प्यार से बुलाएगा, सुने मन दौड़ा दौड़ा आएगा। डिंग 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 डिंग, मेरे आका क्या हुक्म है? क्या बात है, बड़े अच्छे मूड में। आज जरूर किसी चुड़ैल ने बड़ी टाइट ना तेरी बेइज्जती की होगी। अभी मुलाकात तो तेरे से अभी हुई नहीं है, बात तो अभी आगे होगी। हे सुलेमान, तूने मेरे को चुड़ैल बोला? ये तोबा तोबा तोबा, मेरी ऐसी बात कहाँ, मेरी ऐसी औकात कहाँ। मैं तेरे को अंडरग्राउंड की कोई भी बात नहीं बताती, तू मेरा मूड खराब कर देता है। अरे मेरी जुबी में तेरा मूड खराब नहीं करूँगा, प्रॉमिस से बोलता हूँ, प्रॉमिस। एक्चुअली बात है, मैं जक्कू की दूसरी शादी बनाना चाहती हूँ। अरे ये खुशी की बात क्या है, ये तो रूटीन की बात है। हर एपिसोड में तू उसकी शादी कहीं लफड़ा लेके बैठ जाती है। ए नहीं, इस बार ये शादी हम कराची में बनाएंगे। ए जुबी, मेरे को बता, इसमें तेरे को प्रॉफिट क्या होएगा? इससे ये प्रॉफिट होएगा, जब चाहेंगे जक्कू की दूसरे भाई के घर में हम दावत पे चले जाएंगे, अपना राशन बचेगा। ओए ओए ओए, बड़ा इलामा इकबाल बन फिर रहा है। ये जुबी, हाँ, अगर वो लोग भी तेरे घर आने लगेंगे तो क्या होएगा? लानत है तेरे पे, मेरे को मालूम था तू कल सुमड़ी का एजेंट है, वो भी यही बात बोल रही थी। अच्छा छोड़, ये बात नहीं करता हूँ। एक बात तो सोच, अगर जक्कू महीने में 3-4 बार वहाँ रहने लग गया तो? ये तो और भी एक्स्ट्रा बात है कि जक्कू का राशन भी बचेगा। प्रॉब्लम राशन की है तो एक सलूशन तेरे को दूं? मेरे को मालूम है तू यही रिपीट करेगा। ऊपर आ जा, लानत है तेरी शक्ल पे। देख जुबी, आज मैंने तेरे से प्रॉमिस किया, आज ऐसी कोई बात नहीं करूंगा। जो टेल 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 मी टेल मी। अरे इसके लिए जक्कू की नई शादी का खर्चा काय को, ऐसा कर तू जक्कू को उसके ससुराल में शिफ्ट करके खुद एडी होम में चली जा। इससे तेरा खानदान तो नहीं बचेगा, पर एक बात नक्की है, तेरा राशन जरूर बचेगा। हाँ मनुष्य, मेरे को पता था तू जरूर कोई घटिया बात करेगा। एक जुबी, घटिया सोच और घटिया जवाब के बाद घटिया सोचना पड़ेगा ने। सब चीजें घटिया, मेरी जूती है जापानी, मेरी फ्रॉक इंग्लिशानी, अभी मैं तेरे को एक्शन दिखाती है तू हो जाएगा गायब। ये मेरी जूती है इंग्लिशानी, अब ले आना मनुष्य। आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं? आप मेरे को खिदमत करने का मौका दीजिए ना प्लीज। आप कौन?
मैं कुलसुम इस पूरे घर की मालकिन, लेकिन आपकी दासी। इधर आइए ना, बैठिए ना, तस्वीर रखिए ना, बैठिए बैठिए, आराम से बैठिए। हाँ जी बोले। कुछ खाने को नहीं पका? पका बनाए बनाए, आपको नजर नहीं आ रही लव, तो मेरे सामने लाके रखे ना प्लीज। अभी ये लीजिए ठंडा ठंडा नहीं मीठा मीठा शरबत। आप लोग लंच में ये शरबत खाएंगे? नहीं नहीं, इस शरबत में जो बर्फ है ना, पहले उसको खाते, फिर खाते खाते जब अपन लोग को प्यास लगती ना, तो फिर शरबत पीते। हो गया ना खाना पीना साथ साथ? वाह माशाल्लाह, क्या खाना पीना है आप लोगों का। तकल्लुक की जरूरत नहीं, ये सारा शरबत आपका ही है। जी जी, अभी तो ना मुझे भूख है ना प्यास है, जब लगेगी तो खा भी लूंगी और पी भी लूंगी। ओके ओके, ये आपका ही घर है, अपना ही घर समझना। कैसे समझ लूं, हमारे यहाँ लंच में खाना आता है शरबत नहीं। खाना तो मेरे घर में भी बनता है, ऐसी फैंटास्टिक दाल बनाती हूँ, ऐसा उंगलियां चाटते रह जाओ। पर इसका दूसरा दिन है ना, तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता दाल बनाते हैं। चले आप शरबत से दिल बहलाए, मैं जरा आराम करके आती हूँ। ओके प्लीज रेस्ट सा। ओ गॉड, शरबत की बचत हो गई, प्रॉफिट में लॉस नहीं, लॉस में प्रॉफिट हो गया। मैं सदफ बात कर रही हूँ, कहाँ हो तुम? मैं आ गई हूँ घर छोड़कर, अपनी फूफो के घर। वो हमारी शादी कराने के लिए बिल्कुल तैयार है, मेरी उनसे बात भी हो गई है। तुम खर्चे की फिक्र मत करो ना, मैं घर से बहुत सारा सोना लेकर आई हूँ, हमारा गुजारा बहुत आराम से हो जाएगा। शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है। तू तो ऐसे आया जैसे माधुरी का सामान पहले आता है और बाद में खुद आती है। माँ आपने मेरे को बुलाया, हुकुम करें। मैं आपसे एक बात अर्ज करना चाहती हूँ, बताएं। फरमाइए फरमाइए। एक प्यारी सी छोकरी हमारे घर में घूम रही है, क्या आप उससे शादी बनाना चाहते हैं? क्या बात कर रही हो माँ, मेरी तो उससे पहले ही शादी हुई हुई है। ये मिंजा मोला कैसी बातें कर रहे हैं, मेरे को पता ही नहीं तूने शादी बना दी। क्या बात कर रही हो माँ, आप हमारी शादी में मौजूद तो थी, आपने इतनी बिरयानी फोड़ी, कोरमा खाया, मैं सब देख रहा था भाई। उससे आज मेरे पांच बच्चे भी तो हैं। मनोज मनोज, कल चुमड़ी की बात नहीं कर रही, मैं उसके कजन की बात कर रही हूँ। माँ ने की और पूछ पूछ। देखो कबूल है, कबूल है, कबूल है। इतना मूली खोल घर में, बहुत पुलिस है। शुक्र है तुम आ गए। वाह भाई, तुम्हारी पप्पी तो बड़ी सेट जगह पे रहती है, काफी पैसे वाले सामी लगती है। ज्यादा बातें ना बनाओ, ये बताओ शादी का क्या प्लान है? मैं तो तुमसे आज ही शादी कर लूं, पर क्या करूं, मेरी जेब इजाजत नहीं देती। अरे मैंने कहा ना, तुम पैसों की बिल्कुल फिक्र मत करो, इंतजाम हो जाएगा। तो फिर जाने मन में अभी और इसी वक्त तुमसे शादी करने को तैयार हूं। ये जेवर है, जाके इनको बाजार में बेचा। तुम फिक्र मत करो, मैं यूं गया और यूं आया, बस तुम मेरा इंतजार करती रहना। और सुनो प्लीज, मुझे पता है वो मौली साहब को लाना ना निकाह के लिए, मैं ले आऊं। अरे वो भी ले आना, लेकिन प्लीज एक प्लेट चिकन बिरयानी ले आना, वरना मैं भूख से मर जाऊंगी यहाँ पर। अरे तुम डबल बिरयानी चिकन की बात करती हो, मैं तो अपने वलीमे में देखो की देखे बिछाने वाला हूँ। तो फिर अब जाओ ना, मुझसे अब ज्यादा बर्दाश्त नहीं हो रहा। मुझसे दूर रहना तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा? नहीं, भूखे रहना। बस मैं यूं गया और यूं आया। मैंने ईद की मुबारकबाद दी तो है। वो तो सभी देते हैं, लेकिन साथ में कुछ ईदी भी तो मिलनी चाहिए, क्यों बच्चों? हाँ, 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 लेकिन मेरे पास उतने पैसे है ही नहीं। तो हम आपसे कौन से ज्यादा पैसे मांग रहे हैं? हमें मालूम है कि आपकी इस बंद मुट्ठी में बहुत ज्यादा नोट है, आप हमें वही दे दें, हम उसी का ही थैंक्स कर लेंगे। एक मिनट एक मिनट, घर है मेहमान पर ज्यादा बोझ नहीं देना चाहिए, क्यों भाइयों? चल आंटी, मैं आपके साथ एक व्यापार करता हूँ। कैसा व्यापार? इतने का नोट मैं आपको दूंगा, इतने का नोट आप हमें देंगी, मंजूर है? ओके ओके बेटा, ठीक है, मंजूर है। ये ले, थैंक यू। ओह माय गॉड, ये तो मुझे नकली नोट दे गए। कौन सी शादी, कहाँ की शादी, कैसी शादी? झूठे दगाबाज मक्कार फरेबी, तुम मेरा पैसा लेके ऐसे नहीं भाग सकते। मेरे को जल्दी से जेवर दे, जल्दी बता प्रॉफिट किधर है, रोकड़ा किधर है। हेलो
भाई जान आपकी छोकरी हमारे पास है। ए माँ मेरे को तो छुड़ाओ। ए भाई, ए भाई। कुछ लोग पता नहीं क्यों ईद के दिन भी नजर आते। अल्लाह ये बता तेरे भाकड़ा होटल से क्या ताल्लुक है, ये क्यों मेरे से मलाकड़ा कराती रहती है। मेरी बात सुन कलसुमड़ी, ईद बकरा ईद ये लोग तेरे को नजर नहीं आएंगे। अच्छा हाँ। हर एपिसोड में ना मैं यही बात सुनती हूँ। आप ऐसा करें आज इस एपिसोड में अमल कर ही ले प्लीज। तो सोच रहा कलसुमड़ी आज के दिन से इस पर अमल शुरू हो गया। सासू माँ अगर जाना ही है तो एक ही टाइम पे चली जाओ। अब आप इसी टुकड़ों में जाओगी तो आपको जास्ती तकलीफ होगी और मेरे को जास्ती खुशी। एक बात तो बता कलसुमड़ी, ईद का दिन खुशी होता है ना? बरोबर। और मेरे लिए ईद का दिन वो होएगा जब मैं अपने छोकरे की दूसरी शादी बनाऊंगी। सासू माँ ऐसा कभी नहीं होएगा। होएगा होएगा, शुरू हो गया मामला। आज ईद का दूसरा दिन है ना, जक्कू की शादी का पहला दिन है, तू तैयारी पकड़। जक्कू की शादी की नहीं, अपने मम्मी पापा के घर जाने की। सासू माँ आपको पता नहीं है। अच्छा, आज ईद का दूसरा दिन आपके जक्कू और आपके लिए आखिरी दिन भी हो सकता है, क्योंकि मैं आपको जक्कू के पापा के घर पहुंचाने वाली हूँ और फिर जक्कू को उसकी मम्मा के घर पहुंचा दूंगी। तेरे को मैं बता दूं, तू मेरे जक्कू की खुशियों के कातिल है। मेरे को लग रहा है मेरी भी खुशियों की कातिल है तू। हाँ हेलो हेलो आरिफ, मैं सदब बोल रही हूँ। अच्छा तो फिर मैं क्या करूँ? अरे मुझे बताओ तो सही, जेवर बिक गए? कब के बिक गए? तो तुम आए क्यों नहीं? अरे अगर बिरयानी की इतनी तलब हो रही है तो पप्पू को कहकर पकवा लो। मुझे बिरयानी की नहीं, अपने जेवर की फिक्र हो रही है। अब जेवर की क्या फिक्र, वो तो बिक गए। लेकिन उसके पैसे? वो तो मेरी जेब में है। और तुम कहाँ? तुमसे बहुत दूर। लेकिन हमारी शादी? कौन सी शादी, कहाँ की शादी, कैसी शादी? झूठे दगाबाज मक्कार फरेबी, तुम मेरा पैसा लेके ऐसे नहीं भाग सकते। कौन सा पैसा, तुमने तो मुझे जेवर दिया था। और जहाँ तक भागने की बात है ना, मेरे से तो निहारी खाकर हिला भी नहीं जा रहा, मैं तो बाइक पर घूम रहा हूँ। बेगैरत इंसान, मेरे पैसे निकाल। वो तो मैंने हिसाब में काट लिए तुम्हारे। कैसा हिसाब? इतने टाइम से तुम्हें मैं इजी रोड कराकर दे रहा हूँ, दुकान वाला मेरी खाला का लड़का है। पैसे लगते हैं पैसे। खबरदार जो मुझे आज के बाद फोन किया। हेलो ये मिंजा मोला क्यों रो रही लिए? वो मेरा जेवर लेके भाग गया। कौन? जिससे मेरी शादी होने वाली थी। ए मिंजा मोला, जक्कू खुद ही खुद जेवर लेके भाग गया और मेरे को पार्टनर भी नहीं बनाया। जक्कू संभालने का है, मैं आ रही लियू। पे मिंजा मोला। जक्कू है, 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 जक्कू है। लड़की का जेवर किधर है? ए मिंजा मोला, माँ को कड़ों का पता चल गया, आइंदा मैं कुलसुम को कोई चीज नहीं दूंगा। खुद खुद बातें करता है, खुद प्रॉफिट लेता है, मेरे को लॉस में जाता है। ए माँ आपकी जान की कसम, मेरे पास जेवर नहीं है। मेरी जान की कसम नहीं खाना, मेरे को खारिश शुरू हो जाती है। मेरे को जल्दी से जेवर दे, जल्दी बता प्रॉफिट किधर है, रोकड़ा किधर है, जेवर किधर है? आपको किसने बताया मेरे पास रोकड़ा है जेवर है? ठीक है, मैं गाँव के मुखिया से अभी फैसला कराती हूँ। लड़के के सामने कुरेशी के फूफी के लड़के, इधर आवाज सुन, इधर खड़ा हो जाना आराम से। ये तेरा जेवर लेके भागा था? ये क्यों मेरा जेवर लेके भागेगा? इसी से तो तेरी शादी होनी थी। इससे? ए भाई मैं गरीब हूँ लेकिन इसमें मेरी कोई खता नहीं है। जेवर तो वो लेके भागा जिसके चक्कर में मैं घर से भागी हूँ। क्या? अब मैं कैसे घर जाऊंगी? अब हमारे ऊपर होम डिलीवरी का खर्चा मत कराना, समझी? तो आप मेरे घर वालों को फोन करके खुद ही बता दे, वो मुझे लेने के लिए खुद ही आ जाएंगे।
जाएंगे। इतना तेज तेज नहीं बोल, अपने फोन से फोन कमा, अपने फोन का खर्चा अपन पे क्यों डाल रहे लिए? बैलेंस खत्म हो गया है। ए भाई तू रहने दे, मैं नंबर मिला रहा हूँ लेकिन छोटी बात करनी है। चलो नंबर बताओ। हेलो भाईजान, आपकी छोकरी हमारे पास है? हाँ यकीन यार, तो बात करो, ये लो। हेलो भैया, भैया प्लीज मुझे यहाँ से आके ले जाए, ये लोग तो मुझे भूखा मार देंगे यहाँ पर। हाँ भाई, अपनी बहन की आवाज सुन ली तूने, अभी यकीन आ गया? अच्छा भाई मेरा जरा एड्रेस तो नोट कर, ठीक है? वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा एक बात सुनो भाई, जब बहन को लेने आ ही रहे हो ना तो खाली हाथ बताना। ऐसा कर, इसको बोलो बंस रोड का कोरमा और नान लेकर आए, जरूर अपन दोनों मिलके खाएंगे ना। हाँ भले भले, पुलिस को मत लाना, लेकिन मेरी माँ ने जो फरमाइश की है बिरयानी कोरमे और नान वान की, साथ में रबड़ी भी ले आना। ओके ओके, हम इंतजार कर रहे हैं। फोन पर तेरे से बात हुई थी? हाँ भाईजान, हाँ आपकी बहन को मैंने रखा हुआ है। किधर है हमारी बहन? अंदर, घर के अंदर है। ए भाई, भाई हाँ आप लोग पहले जाओ, कोई बात नहीं, पैसे वाले। ये बताओ जेवर किसके पास है? भाई दो कड़े इनके पास है। ए मिंजा मोला, दो कड़े तेरे पास थे जक्कू, तूने मेरे को नहीं बताया? ए माँ, वो कड़े तो मैंने कुलसुम को दे दिए। क्या हो गया भाई? अबे देख क्या रहे हो, दो साले को। ए कलसुमड़ी मनुष्यड़ी इधर आ। क्या हो गया, खामा का शोर क्यों? मेरे जक्कू को क्यों मारे ले हो? ए मेरी बात सुन, इसके सोने के कड़े तेरे पास है? ए माँ मेरे को ना छुड़ाओ। ए भाई, ए भाई, ए अरे भैया इनके पास सिर्फ दो कड़े हैं। क्या? अरे साले कभी ना, पहले अपनी बहन की पूरी बात तो सुनो ना, ऐसा थोड़ी हाथ पैर खोलना शुरू कर दिया मेरे ऊपर। कलसुमड़ी किधर है वो कड़े? मैं क्यों बताऊं आपको? इनको बताना, बता हमें बता, वरना हम इसको और मारेंगे। ए कलसुम, इससे पहले कि मेरे जिस्म से कड़े कड़ की आवाजें निकले, तू इनको कड़े दे दे भाई। मेरी सोने की कड़ी आपने मेरे को दिए थे। चलो चलो जा, उधर मर तू। सारे कड़े भाईड़ी को देता है, मेरे से सिर्फ हौसले देता है। मेरे को पता था, मेरे को मालूम था जुलेखा के खानदान वाले ऐसी बेगैरत होंगे। देखो जो चीज दी वो वापस छीन के ले गए। If you don't mind, कल चुमड़ी एक बात याद रखना, ये मेरे खानदान वाले नहीं, तेरे बेगैरत कजन थे। मेरे ऐसे कजन होते ना तो उनका वही असर होता जो आज जक्कू का होने लगा। झूठ मत बोल, जक्कू ने मेरे को खुद बताया। जक्कू ने मेरे को ये बताया कि सब समझ गई। जक्कू तूने मेरे साथ झूठ बोला ना? जक्कू ने से बाप के साथ झूठ बोला, जक्कू ने मेरे साथ भी झूठ बोला है। आखिर तेरे को दो करोड़ का प्रॉफिट तो हुआ ना? ए सासू माँ, इतना झूठ तो नहीं बोलो, कुछ तो शर्म करो। मैं दो करोड़ ले ली ना उन लोगों ने, मेरे को झूठा बोला। एक प्रेम कहानी सबको सुनानी, दिल थाम के बैठो ना कर मनमानी। दिल की खिड़की खोल बेबी, लव की बातें बोल, आजा चल ले रॉक एंड रोल टुगेदर। जकरिया और कुसुम की लव स्टोरी।